उज्जैन नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई, अवैध तरीके से मटन विक्रेता पर की कार्रवाई। नगर निगम की तरफ से सहायक स्वास्थ्य अधिकारी पीएस दुबे अपनी टीम के साथ जब फील्ड में निकल चुके थे, उसी दौरान मालवा चिकन सेंटर जावेद सलीम और जुबैर द्वारा अवैध तरीके से चिकन और मटन का विक्रय किया जा रहा था। तुरंत पीएस दुबे द्वारा कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला को फ़ोन पर सूचना दी। तुरंत मौके पर थाना चिमनगंज प्रभारी जितेंद्र भास्कर और थाना कोतवाली सतनाम सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध मटन को जब्त कर दुकान को सील कर दिया है। कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला द्वारा चर्चा में बताया गया कि मौका पाकर आरोपी भाग गए, लेकिन उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। जल्दी से आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई भी करेंगे। बाइट कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला निगम स्वास्थ्य अधिकारी पीएस दुबे, संवाददाता राजेंद्र परिहार। क्वारंटाइन चेकिंग पार्टी का शुभारंभ है, क्या कारण है और क्या खास है? पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन जोन डीआईजी महोदय और एसपी महोदय उज्जैन के मार्गदर्शन में ये पार्टियां तैयार की गई हैं, और इन पार्टियों को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है, ये दो प्रकार की पार्टियां हैं। पहली पार्टी ऐसी है जो कंटेनमेंट एरिया सर्विलेंस टीम है, जो भी उज्जैन में 13 कंटेनमेंट एरिया बनाए गए, ये उस क्षेत्रों में मोबाइल रह करके ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं, पैदल जाते हैं, दोपहिया वाहनों पर घूमते हैं या अकारण निकलते हैं, उनको ये लोग उनका रिकॉर्ड बनाएंगे, मतलब उनका सीसीटीवी फुटेज करेंगे, उसके आधार पर ये पूरा एनालिसिस किया जाएगा और उसके बाद कानूनी कार्रवाई, इसमें एफआईआर करना या अन्य कार्रवाई करना या उनको ताकीद करना और भी जो मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार की टीम है वो है क्वारंटाइन चेकिंग पार्टी। इसका मुख्य उद्देश्य है, अब तक लगभग उज्जैन में 1261 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। तो ऐसे लोग जो क्वारंटीन में, कई लोग होम क्वारंटीन में हैं, कुछ लोग होम जो क्वारंटीन सेंटर्स में हैं, कई इस प्रकार की शिकायतें आई कि कुछ लोग इसका उल्लंघन किए हैं, तो इस उल्लंघन को जांचने के लिए ये जो दसों पार्टियों के पास अलग अलग सूची रहेगी, अलग अलग एरिया रहेगी, ये ऐसे लोगों के घरों में जाकर के क्वारंटीन सेंटर पर जाकर ये देखेंगे कि जिनका क्वारंटीन किया गया है वो अपनी जगह पर हैं या नहीं है, साथ में कोई उनको समस्या तो नहीं है। अगर वो नहीं पाए जाते हैं या कोई उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा, साथ में यदि उनको कोई आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी की जाएगी।